समाचार। त्रेता युग की थीम राम धुन में मग्न भक्ति। भूमि पूजन के लिए ऐसे सजी है अयोध्या नगरी। जैसे जैसे राम मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या वासियों का उल्लास और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग हो या साधु संत, सभी इस पल को लेकर अद्भुत उत्साहित हैं। अयोध्या में सभी ओर जश्न का माहौल है। पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता युग की थीम पर सजाया गया है। जिधर देखें उधर खुशी का माहौल है। यहाँ का हर एक व्यक्ति राममय दिख रहा है। राम भक्त राम धुन में मग्न दिख रहे हैं। भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। भूमि पूजन को देखते हुए साधु संतों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आश्रमों में भजन कीर्तन चल रहे हैं और लोग बधाई गीत गा रहे हैं। साधु संतों के साथ राम धुन पर आम लोग भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कोई ढफली बजा रहा है तो कोई डमरू बजा रहा है, कोई तबले के थाप पर अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या भूमि पूजन से पहले राम के रंग में संपूर्ण तौर पर रंग चुकी है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हो रहा है। उनके अलावा लगभग 170 विशिष्ट मेहमान भूमि पूजन में शामिल होंगे। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी है। इस VIP मूवमेंट को देखते हुए पूरी अयोध्या नगरी को सील कर दिया गया है। बाहर से किसी वाहन के अंदर आने की इजाजत नहीं है। जगह जगह पर पुलिस के नाके बने हैं, जहां गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को SPG ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया था और सुरक्षा के बंदोबस्त का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3 घंटे अयोध्या में रुकेंगे। हनुमानगढ़ी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार समारोह न होने के आसार हैं। यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। तो बस यही थी खबर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए।